अमरेली जिला बीजेपी की पूर्व मंत्री मधुबेन जोशी की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। मधुबेन जोशी का बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद था, लेकिन इसी मामूली विवाद में बात इतनी बढ़ी कि हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। तो बड़ी खबर गुजरात के अमरेली से है, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या हुई है। अमरेली जिला बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं जिनकी हत्या की गई, मधुबेन जोशी की बेरहमी के साथ हत्या की गई। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद था, लेकिन यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि मधुबेन जोशी की हत्या हुई। मधुबेन जोशी का बेटा भी इस वारदात में गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज करवाया जा रहा है। तो मामूली विवाद में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर गुजरात के अमरेली से है, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या की गई है। अमरेली जिला बीजेपी की पूर्व मंत्री है मधुबेन जोशी, उनकी एक मामूली विवाद में हत्या कर दी गई। वहीं उनका जो बेटा है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज करवाया जा रहा है। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से हमला हुआ है इन पर और अब इनको इलाज दिया जा रहा है। तो अमरेली से बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां पर मामूली विवाद में अमरेली जिला बीजेपी की पूर्व मंत्री मधुबेन जोशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं इस वारदात में उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही कि पूरा घटनाक्रम क्या था और आखिर वजह क्या थी कि एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हो गई कि हत्याकांड तक जो हमलावर थे वो पहुंच गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ट्रामा सेंटर की, जहां पर इस घटना के बाद फौरन इन्हें ले जाया गया, लेकिन इस हमले में जो मधुबेन जोशी थी उनकी मौत हो गई, जबकि बेटा जो है वो गंभीर रूप से घायल है, उसे इलाज दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है गुजरात के अमरेली से, जहां पर बीजेपी नेता की बेरहमी के साथ हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि मधुबेन जोशी, जो कि अमरेली जिला बीजेपी की पूर्व मंत्री रही हैं, उन पर हमला किया गया, उनकी मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से इस घटना में घायल हुआ है। मामूली विवाद में यह घटना इतनी बड़ी हो गई कि हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। तो अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, अस्पताल में भी पहुंची और अब जो जांच पड़ताल की कार्रवाई है वो पुलिस बढ़ा रही। वहीं जो डॉक्टर्स हैं वो बीजेपी नेता की बेटे की सेहत की देखरेख कर रहे हैं। हमले के बाद फौरन दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इस पूरे कांड में मधुबेन जोशी, जो बीजेपी नेता थी, उनकी मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसका इलाज अमरेली के ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है। तो बड़ी खबर गुजरात के अमरेली से है, जहां पर मामूली विवाद इतना बड़ा हो गया कि एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। वहीं उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज करवाया जा रहा है। बीजेपी की पूर्व मंत्री मधुबेन जोशी की हत्या की गई है। अमरेली के जिला की वो बीजेपी की पूर्व मंत्री रही हैं, उन पर हमला किया गया और इस घटना में उनकी जान चली गई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया इस घटना में, पूछताछ आगे की जा रही। तो एक नया अपडेट यह आ रहा है कि इस पूरे घटना के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।